और आज की वीडियो में हम स्टार्टिंग करने वाले हैं हिंदी, ठीक है। जो आपकी हिंदी लैंग्वेज आएगी जो कि 30 नंबर की होगी, ठीक है। 30 नंबर्स की आपकी होगी हिंदी, ठीक है। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट आप देखना है, इसमें आपके आएंगे 15 जो होंगे वो अनसीन पैसेज जब पूछे जाएंगे, जो कि कहलाते हैं आपके आपठित गद्यांश, ठीक है, जिसे कहा जाता है आपठित गद्यांश, ठीक है, ये आएंगे। देन जो सेकंड पार्ट होगा 15 नंबर का, उसमें आपका आएगा ग्रामर, ठीक है, ग्रामर आएगी। और प्लस पेडागोजी, ठीक है, तो पेडागोजी भी आएगी आपकी हिंदी की, प्लस ग्रामर भी आएगी, ठीक है। तो अभी आज के इस वीडियो में बेसिक ग्रामर से स्टार्टिंग करते हैं। अनसीन पैसेज इतना बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज जो अनसीन पैसेज आता है सिंपल आता है, बस आपको उसमें से देख के क्वेश्चंस आंसर देने होते हैं। और ग्रामर हम इसलिए पढ़ेंगे कि जो ग्रामर है, ग्रामर में जो आपठित गद्यांश से जो कुछ क्वेश्चन आते हैं उनमें ग्रामर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका 15 नंबर का पेडागोजी होगा, ये आपको याद रखना है, चलिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या करना है हमें। चलिए, तो सबसे पहले हम बेसिक अभी ग्रामर स्टार्टिंग करेंगे। ग्रामर में सबसे पहले आज हम देख लेते हैं नाउन। नाउन यानी क्या होता है, संज्ञा, ठीक है। तो छोटा छोटा देख लेते हैं, तो संज्ञा होता क्या है हिंदी में देख लेते हैं, कि जो शब्द किसी प्राणी वस्तु स्थान, ठीक है, प्राणी वस्तु स्थान या भाषा के नाम को व्यक्त करते वो संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। जैसे किसी का नाम, अब किसी का नाम मैं क्या ले लूं, राम, ठीक है, ये हो गया किसी का नाम। इसके बाद कोई प्राणी हो गया जैसे कि बानर, ठीक है, बानर क्या है, उसकी जाति हो गई। फिर हम ले लें कोई पुस्तक, ठीक है, ये हो गई पुस्तक हो गई। अब हम क्या ले लें, किसी शहर का नाम ले लें, आगरा, ठीक है, ये हो गया आगरा। दिल्ली, घर, ठीक है, विद्यालय, ठीक है। तो इस तरह से नाउन है यानी कि जो संज्ञा है वो क्या होता है, किसी वस्तु, प्राणी, ठीक है, वस्तु हो गई, प्राणी हो गया, और जो आपका वस्तु है, स्थान है, उसके भाव को जो व्यक्त करता है वो संज्ञा कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ संज्ञा मतलब संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं उनमें आपका होता है, एक तो व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है, सबसे पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे की बात की जाए तो आपका होता है जातिवाचक, ठीक है, एक व्यक्तिवाचक होता है, एक होता है जातिवाचक। थर्ड जो होता है आपका वो द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। और इसके बाद हम फोर्थ की बात करें तो आपका होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक बस लिख देती हूँ। और फिफ्थ की हम बात करें, जो फिफ्थ होता है वो आपका होता है भाववाचक, यहाँ पे लिख लेते हैं, फिफ्थ आपका हो गया भाववाचक संज्ञा, ठीक है, मतलब जो भाव को से रिलेटेड हो। और ये आपका अनकाउंटेबल, इंग्लिश में हमने पढ़ा है, मतलब आपने भी पढ़ा होगा, अनकाउंटेबल मतलब भाव क्या है, एक तरह से काउंट नहीं किया जा सकता, क्या है, गिना नहीं जा सकता, जो गिना ना जा सके, ठीक है, गिना नहीं जा सकता है, आपको याद रखना, क्योंकि फीलिंग्स है, फीलिंग्स को आप गिन तो नहीं सकते हैं कि कितने किलोग्राम है या क्या है, ठीक है। तो आपका भाववाचक, तो ये हो गया आपके प्रकार की जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ जो हमारी संज्ञा है, अब उसके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं, सबसे पहली जो हमारी थी वो थी व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि जब किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता है। देखिए, व्यक्तिवाचक के बारे में बात की जा रही है, व्यक्तिवाचक का मतलब होता है किसी का नाम क्या है, या फिर जिस स्थान पर हम गए हैं वो क्या है, जैसे हमारी हुई पाठशाला, ठीक है, या फिर जबलपुर हम गए, मतलब जबलपुर हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नाम ले लीजिए, फरवरी हो गई, जैसे ये किसी मंथ का नाम हो गया, ठीक है, फरवरी हो गई। इसके बाद हम बात करें ताजमहल हो गया, ठीक है, हो गया ताजमहल। तो देखिए, यहाँ पर व्यक्तिवाचक का मतलब होता है कि एक ऐसी वस्तु या प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं जो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है। सपोज आप में से किसी का नाम हो गया सौरभ, अब सौरभ क्या है, सौरभ क्या है, उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब वो बता रहा है कि आखिर वो है क्या, मतलब उसका नाम क्या है, मतलब कैसे उसको पहचाना जाता है। मोहन हो गया, पाठशाला हो गया, जबलपुर हो गया, ताजमहल हो गया, गंगा हो गए, ठीक है, किसी का नदी का नाम हमने गंगा हो गई, तो क्या नाम से ही तो हम पहचान रहे हैं, तो ये होगी बातिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है जातिवाचक, ठीक है। अब जातिवाचक से आप समझ सकते हैं, देखिए जातिवाचक मतलब होता है उसकी जाति। अब हमने मोहन के बारे में तो बात किया, पर मोहन क्या है, मोहन क्या है, एक तरह से अगर हम बात करें तो मोहन कौन है, मोहन है एक ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मानव है, मनुष्य है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं लड़का है, सीधी सीधी बात, क्या है, लड़का है, तभी तो हम बता रहे हैं मोहन। अब हम कैसे पता करेंगे, अब जैसे यहाँ पर हो गया आपकी सीता, तो सीता के बारे में पता चल रहा है कि उसकी जाति क्या है, वो क्या है, लड़की है, ठीक है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं ग्राम, ठीक है, ग्राम का मतलब क्या है, गांव, कौन सा गांव, कोई भी गांव ले लिया हमने, जैसे बुरहानपुर ले लिया, ठीक है, बुरहानपुर, ठीक है, तो इस तरह से क्या, बुरहानपुर तो उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन वो है क्या, ग्राम है या शहर है, ठीक है, इस तरह से हम पहचानते हैं। अब नदी के बारे में बात करेंगे, होगी आपकी नदी, नदी कौन सी थी, गंगा, ठीक है, तो गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक है, मतलब उसका नाम है जिससे उसे पहचाना जाता है, ठीक है, और नदी उसकी क्या है, जाति है, मतलब वो क्या है, गंगा क्या है, आपकी नदी है, ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान जाएंगे। अब थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, चलिए थर्ड हमारा द्रव्य है, ठीक है। अब द्रव्य के अंदर क्या आएगा आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की बात की जाए तो जिन द्रव्यों से अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है, द्रव्य से सीधा सीधा लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में जैसे जिससे कुछ बनाया जा सकता है, जैसे आपका हो गया सोना, लोहा, ठीक है, या फिर दूध हो गया आपका, ठीक है, दूध, तेल, तो ऐसी चीजें जिनसे क्या हो रहा है, कुछ बनाया जा सकता है। फिर द्रव्य से सीधा सीधा हम द्रव्य के बारे में बात करें, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब जो लिक्विड फॉर्म को प्रेजेंट करती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो हम बात करें वो आता है आपका समूह। अब समूहवाचक संज्ञा सीधा सीधा देख लेते, समूहवाचक का मतलब क्या, जो ग्रुप नाउन मतलब हमने पढ़ा होगा, समूह में जुड़ा, जैसे कि समूह के बारे में क्या बात करें, जैसे कि कक्षा है, तो कक्षा क्या है, बहुत सारे छात्रों का समूह है, ठीक है। इसके अलावा हम बात की जाए मेला की, तो मेला क्या है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब एक तरह से भीड़ आती है, या फिर हम बात करें समूह की, ठीक है, समूह हो गया। अब जैसे भेड़ों का समूह हो गया, ठीक है, भेड़ों का समूह, या गायों का समूह, ठीक है, या बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं झुंड या दल हो गया, या पंक्ति हमने बनाई है, ठीक है, तो ये सारी हो गई आपकी समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। चलिए भाववाचक संज्ञा के बारे में अगर देखते हैं, तो भाव का मतलब मैंने अभी बताया था, मतलब जो जिसमें आपका गुण हो, दोष हो, आपकी, या कह सकते हैं आपका स्वभाव आ गया, आपके भाव आ गए, ये सारी चीजें जो होती हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंदर। भाव मतलब जैसे कि सुंदरता, ठीक है, योगी सुंदरता, ठीक है, और किस तरह से है आपकी ऊंचाई, ठीक है, हमने ऊंचाई जो ले ली वो भी एक तरह से भाववाचक में आ गई। आपको किसी चीज की दुर्गंध आई, ठीक है, तो दुर्गंध आई तभी आपके अंदर वो भाव जगा कि अरे दुर्गंध आ रही है, या फिर हम कह सकते हैं सुख दुख, ठीक है, या फिर खुशी, ठीक है, खुशी हो गई, या फिर पवित्रता, मतलब जो फीलिंग से रिलेटेड है, प्रेम, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आ गई, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी संज्ञा, संज्ञा में हमने प्रकार देख लिए कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, अगले हम बात करते हैं सर्वनाम के बारे में, ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्टिंग कर लेते हैं सर्वनाम, ठीक है। अब सर्वनाम के बारे में बात करते हैं कि सर्वनाम होता क्या है, तो सर्वनाम का मतलब होता है कि जो जहां ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, सीधा सीधा बात है कि ऐसे शब्द जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं, मैं, तुम, आप, ठीक है, वे, ठीक है, या वो, या उसे, तो ये सारी चीजें, मतलब यहाँ पर एक हम ये कह सकते कि पर्सनली किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता, मतलब संज्ञा के स्थान पर हम इन शब्दों का प्रयोग करती तो वो सर्वनाम कहलाती, ठीक है। अब सर्वनाम के प्रकार क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक हो गया हमारा। अब पुरुषवाचक में भी आपको याद रखना है पुरुषवाचक के 3 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये। तो पहला जो वाचक होता है, मतलब पुरुषवाचक के अंतर्गत सबसे पहले आता है उत्तम, फिर आता है आपका मध्यम,
और फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है अन्य पुरुष। ठीक है, अब आप इसे कैसे पहचानी? उत्तम में मतलब आप खुद रहते हैं, मतलब मैं मुझे, मतलब मैं मेरा, ठीक है, या मुझे मतलब बोलने वाला। मध्यम में कौन आता है? तुम, तेरा या तुम्हारा, मतलब जो सुन रहा है, मतलब जिसके, जिससे हम कुछ कह रहे हैं। ठीक है, और अन्य में कौन आते हैं? अन्य में वे आते हैं जिन शब्दों से किसी अन्य व्यक्ति का बोध होता है। जैसे हम बात करें वे, ठीक है, या उनका, या फिर हम बात करें उन्हें। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हम किन के बारे में बात करें। तो अन्य पुरुष मतलब मतलब ये होता है कि ना सुनने वाला ना बोलने वाला, अन्य जिन मतलब कहीं हमसे दूर हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। मध्यम पुरुष जस्ट जो सुनने वाला है उसके बारे में बात करें, तुम या तेरा या तुम्हारा। और उत्तम पुरुष में आ जाता है सिर्फ मैं, मेरा या मुझे, सिर्फ अपने तक सीमित रखता है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या होता है? सेकंड है निश्चयवाचक। ठीक है, इसी में समझते जाते हैं, निश्चयवाचक हो गया। निश्चयवाचक का मतलब होता है जिस सर्वनाम के द्वारा हम किसी भी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है। जैसे कि यह, ठीक है, यह हो गया, वे हो गया, या फिर वह। ठीक है, तो यह, वह, वे मतलब एक निश्चित चीज है, वो आती है आपकी निश्चयवाचक। और अनिश्चय जैसे इसका उल्टा, यानी कि थ्री जो हमारा होगा वो होगा अनिश्चय। अब अनिश्चय से आप बात कर सकते हैं कि आपको खुद आइडिया नहीं है, जैसे कि कुछ, या फिर हो सकता है कोई। हम नहीं कहते अरे कोई या कुछ, शायद किसी, मतलब किसी, मतलब हमें निश्चितता नहीं है, तो उसमें आपका आ जाता है अनिश्चयवाचक। ये हो गई आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक जहां पर हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, यानी कि जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के प्रश्न में किया जाता है, जैसे कि कौन, कहां। ठीक है, कौन, कहां, किसने किया। ठीक है, किसने, तो ये सारी चीजें प्रश्नवाचक में हमने देखा कि कौन, कहां, किसने। ठीक है, मतलब जहां पर प्रश्नवाचक के बारे में बात की जा रही है वो आपका हो जाएगा क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो अब आपका होता है वो होता है संबंधवाचक, रिलेशनशिप वाला। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब होता है वक्त बात में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के बीच का जो रिलेशन है, जो संबंध बताता है, जैसे कि जो, जिसका। ठीक है, जिसका, या फिर जैसे। ठीक है, मतलब क्या रिलेशन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो जैसा कार्य करेगा उसे वैसा ही परिणाम मिलेगा, या जिसे नकल करने की आदत है वह कभी नहीं पड़ता। मतलब वहां पर हम बात कर रहे हैं संबंध के बारे में। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं जो हमारा है वो है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? निजवाचक का मतलब होता है स्वयं से, अपना स्वयं से जो काम करना होता है स्वयं से करना, खुद से करना। ठीक है, या अपने आप। ठीक है, आपसे। ठीक है, कोई काम आपसे करना, जैसे सीता अपने घर का काम स्वयं करती है, या मोहन अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं या अपने आप से उठाता है। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम कहाँ, उसमें किस तरह के शब्द आएंगे, जैसे स्वयं से, आपसे, अपने आप। ठीक है, इस तरह से ये शब्द जो आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर निजवाचक है, संबंध में जो, जिसका, जैसे, ये सारे शब्द उपयोग होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कारक की। ठीक है, कारक और देख लेते हैं कारक होते क्या है। ठीक है, तो कारक का मतलब होता है परसर्ग, मतलब इनको आप ये कह सकते हैं, परसर्ग भी बोल सकते हैं या विभक्ति भी कहा जा सकता है। ठीक है, विभक्ति हो गया, परसर्ग हो गया, ये सारे हो गए कारक। अब कारक के जो प्रकार होते हैं वो सबसे पहले आठ प्रकार होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? आठ प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कर्ता, याद रखें, फिर होता है कर्म, फिर होता है करण। ठीक है, उसके बाद होता है संप्रदान, फिर आता है आपदान, उसके बाद होता है संबंध। ठीक है, संबंध हो गया, अधिग्रहण। ठीक है, अधिग्रहण हो गया, और इसके बाद संबोधन। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकार। अधिग्रहण में यहां ऊपर लिख देती हूं, अधिग्रहण, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, ये हो गए आपके टाइप्स कर्ता के, सॉरी कारक के। अब कर्ता को कैसे पहचानना है? देखिए,
तो आपको आते हैं इस तरह से कर्ता को पहचानना। तो कर्ता को पहचानने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ याद रखना है कि किस प्रकार की विभक्ति से आप पहचान सकते हैं। इनकी विभक्ति और परिसर में अंतर इतना है कि विभक्ति प्रत्येक शब्द से जुड़ी होती है, जबकि परिसर्ग अंतिम नियंत्रित शब्द के बाद आता है। ठीक है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ याद रखना है कारक। कारक नहीं हो गया, परिसर के बारे में बात कर रहे हैं, फिर विभक्ति। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, अभिव्यक्ति ना भी कहें से तो चलेगा, परसर्ग लेके इसे बोला जाता है। ठीक है, काव्य, ठीक है, विभक्ति भी और परसर्ग। अब जो परसर्ग विभक्ति को आप कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर देखिए, तो कारक तो हो गया प्रकार, लेकिन कारक को हम कैसे पहचान सकते हैं, परसर्ग और विभक्ति के द्वारा। ठीक है, तो कर्ता, कर्ता की जो विभक्ति या परसर्ग होता है वो होता है ने। ठीक है, कर्ता ने। कर्म की जो विभक्ति होती है को, उसके बाद करण की जो विभक्ति परसर्ग होता है वो होता है से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। संप्रदान का होता है को या फिर के लिए, हो गया। नेक्स्ट हम बात करें आपदान, आपदान के लिए भी होता है से। फिर संबंध होता है का या फिर की, ठीक है, का की या फिर रा, ठीक है, रा हो गया, री हो गया, ये हो गया। अब अधिग्रहण की बात की जाए, अधिग्रहण का मतलब होता है मैं या पर, ठीक है, मैं या पर। और संबोधन होता है हे, ओहो, अरे, ठीक है, इस तरह से, मतलब जहां पर संबोधन आ रहा है। ठीक है, अब कर्ता ने, मतलब जैसे मोहन ने खाना खाया। ठीक है, इस तरह से हम यहीं पर देख लेते हैं कि मोहन ने खाना खाया। अब राम को जाने दो, ठीक है, यहां पर कर्म हुआ अकरण से, तो किससे, तो मुझसे यह काम नहीं होगा, मुझसे यह काम नहीं होगा। संप्रदान मतलब होता किसके लिए, तो राम के लिए 100 रुपए दे दो, यहाँ पर हो गया के लिए। आपदान का मतलब होता है से, तो से जैसे कहाँ से आ रहे हैं या फिर क्या, आपदान से मतलब स्कूल से चला आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से चला आ रहा हूँ। संबंध का मतलब होता है कि जो कनुप्रिया है या फिर कोई भी हम ले लें नाम, कनुप्रिया का स्कूल बंद है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अधिग्रहण, अधिग्रहण का मतलब होता है मैं या पर, जैसे कि पेड़ पर बंदे बंदर बैठे हैं या फिर नदी में बाढ़ आ रही है। ठीक है, इस तरह से अधिग्रहण में हो गया। ठीक है, आपदान का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, सीधे सीधे बात होता है कि किसी चीज से हम हट रहे हैं, दूर हो रहे, वो आपदान होता है। अधिग्रहण होता है उसके अंदर, जैसे कपड़े संदूक में रखे हैं या फिर बंदर पेड़ पर बैठे हैं। उसके बाद संबोधन में होता है कोई चीज, खुशी की चीज सुना या दुख की चीज सुना, जैसे कहते हैं ना, हे राम ये क्या हो गया। ठीक है, इस तरह के वर्ड हम सुनते हैं तो ये हो जाता है आपका संबंधन। ठीक है, तो जो 8 प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है, और उनकी ये विभक्ति होती है, जिन्हें विभक्ति परसर्ग से समझ जाना है आपको, ये इसकी विभक्ति और परसर्ग होगा। ठीक है, तो हो गए संज्ञा, हो गई सर्वनाम, हो गया, और हमने कारक के बारे में पढ़ लिया। अब बाकी जो हमारा बचा विशेषण और क्रिया विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, ये हम कल के वीडियो में करेंगे। ठीक है, और हमारा हिंदी का जो लेक्चर्स हैं थोड़े से ही तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।